करने है टू टू नाइन no. ओके टू टू आप टेबल्स आज के लिए आपका ये होमवर्क है नेक्स्ट आपकी क्लास मंडे है आई थिंक मंडे जब भी आपकी क्लास होगी तो मैं आपसे सबसे पहले टेबल्स सुनूंगी मैम ओके हाँ जी मुझे रिस्पॉन्स करो बेटा यस और नो सब आप भी यहाँ छोड़ दो बुक अगर बुक में से कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आओ स्क्रीन पे देखो आप अब देखो स्क्रीन में क्या है सेकंड क्वेश्चन जी मैम हमें मिल गया ठीक है यहाँ पे आ जाओ ठीक है सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स नजर आ रहा है सबको यस yes, मैम ठीक है अब देखो ये करना कैसे है सबसे पहले देखो थ्री इंटू आपने बुक में करना है बाद में करना पहले आप देखो मेथड समझो करना कैसे है करोगे आप बाद में देखो फिलिंग थ्री इंटू फिलअप बना हुआ है बॉक्स बना है इज इक्वल टू फाइव इंटू बॉक्स देखो इज इक्वल टू का साइन है ना मतलब थ्री को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फाइव मिस है ना तो इस जगह पे फाइव आ जाएगा नेक्स्ट में देखो फाइव इंटू थ्री मिसिंग है यहां पे थ्री आ जाएगा दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे कि कितना आ जाएगा फाइव इंटू थ्री फाइव के टेबल में थ्री का टेबल हाँ सॉरी फाइव का टेबल रीड करो थ्री तक फाइव थ्री जर कितना होता है हाँ जी 15. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइव थ्री जार हमारे पास कितना आ गया फिफ्टीन ठीक है रजे देन नेक्स्ट पे आ जाओ टू नाइन जार कितने होते हैं हमारे पास टू नाइन जार एटीन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय टू अगेन एटीन को टू के साथ मल्टीप्लाई करने एटीन को टू के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा सॉरी पे टू नाइन है टू एंड कौन सी टर्म मिसिंग है यहाँ पे नाइन क्या आ जाएगा नाइन देन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नाइन टू जार भी एटीन होते हैं और टू नाइन जार भी एटीन होते हैं तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा आपका

अब मुझे सी कॉलम में बताओ आप कि हम किस नंबर को यहाँ पे सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है क्योंकि सिमिट्री बनानी है ना हमने एक बॉक्स में जो नंबर मिसिंग है वो दूसरे में आ जाएगा सेकंड में जो मिसिंग है वो हम सेकंड में लिख देंगे देन यहाँ पे फोर है कौन सा नंबर मिसिंग है सेवन फोर इंटू सेवन सेवन इंटू फोर मतलब सिमिट्री बन रही है ऑपोजिट अब देखो फोर का टेबल सेवन तक रीड कर लो या फिर आप सेवन का टेबल फोर तक रीड कर लो फोर सेवन कितने होते हैं हमारे पास ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट बेटा ये नंबर्स हमें पता क्या सिखा रहे हैं ये नंबर्स हमें ये बात सिखा रहे हैं कि अगर दो नंबर को आप ऑपोजिट भी मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर आपका सेम आएगा देखो यहाँ पे देखो अगर मैं वन को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं फाइव को वन के साथ मल्टीप्लाई करूं मेरे पास दोनों दोनों कंडीशन में आंसर कितना आएगा पाएग। पाएग। ये चीज बता रहे हैं कि दो सेम नंबर को अगर हम ऑपोजिट आगे पीछे लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा हमें ये चीज सिखा रहे हैं ये लोग ठीक है अब देखो अगर मैं नाइन को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दू मैंने पहले नाइन लिख लिया और बाद में फाइव लिखा है या फिर मैं पहले फाइव लिख के उसको नाइन के साथ मल्टीप्लाई कर दू तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं दोनों कंडीशन में मेरे पास आंसर कितना आएगा बोलो कितना आएगा बच्चे सेम सेम अब देखो यहाँ पे देखो फाइव के टेबल में नाइन ये रहा ना फाइव नाइन कितने कितने मेरे पास टेबल में देखो yeah. कितने हैं फाइव नाइन 45. हाँ जी, जार भी 45 हमारे पास फाइव फोर्टी हांवर भी हमारे पास कितने फोर्टी फाइव बात समझ में आई यस मैम ठीक है अभी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट डी पार्ट में मेरे पास फाइव और एट है फर्स्ट वाले बॉक्स में मेरे पास क्या आ जाएगा कौन सा नंबर मिसिंग है यहाँ पे एट मिसिंग है ठीक है देन यहाँ पे एट है तो मेरे पास फाइव मिसिंग है मैं फाइव को एट के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर एट को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूं दोनों कंडीशन में मेरे पास फोर्टी आंसर आ रहा है, 40 answer आ रहा है. 40. हां जी नेक्स्ट देखिए बेटा फोर और थ्री इस टेबल इस बॉक्स में क्या मिसिंग है मेरे पास बोलो क्या आएगा मैम नो मल्टीप्लाई नहीं करना पहले बॉक्स कंप्लीट करो थ्री मिसिंग है यहाँ पे फोर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर थ्री को फोर के साथ दोनों कंडीशन में मेरे पास आंसर कितना आएगा ट्वेल्व 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 यस अब एफ में आप बताओगे कौन सा नंबर मिसिंग है देखो यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे टेन है इस बॉक्स में मैं क्या लिखू बोलो बेटा इस बॉक्स में मैं क्या लिखू टेन बेटा ओपोजिट नंबर देखो यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे टेन है ओपोजिट आ जाएगा सिक्स तो यहाँ पे है टेन नहीं है तो मैं टेन लिख दूंगी अब देखो यहाँ पे 10 है अभी यहाँ पे मेरे पास कौन सा number missing है तो so, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सिक्स अब मैं सिक्स और टेन को मल्टीप्लाई करूंगी सिक्स के सिक्स के टेबल में टेन पे क्या आता है मेरे पास सिक्सटी बेटा ये हाँ जी टेबल्स की गेम है हमें टेबल्स आने चाहिए इसमें टेबल्स कंपल्सरी है, है समझ आया मैं मैं, हाँ जी मैम बोलो सिक्स का तो सिक्सटी आता है का लिखा है बेटा हमने भी 60 लिखा था सिक्स जीरो सिक्सटी ठीक है अभी जी क्वेश्चन पे आ जाओ जी क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या है एफ तक हो गए थे हमारे जी थ्री और नाइन है इस बॉक्स में कितना आएगा यहाँ पे थ्री है यहाँ पे नाइन है तो इस बॉक्स पे मैं कितना लिख दूंगी नाइन हाँ जी नाइन बस जो नंबर मिसिंग है वही लिखना है हमने ओपोजिट अब यहाँ पे नाइन तो ऑलरेडी कौन सा नंबर मिसिंग है मेरे पास ठीक थ्री. 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 है अब दोनों को मल्टीप्लाई किया थ्री को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर नाइन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो दोनों कंडीशन में, में मेरा आंसर क्या आएगा कितना आएगा ट्वेंटी सेवन हांजी ट्वेंटी सेवन समझ आया ठीक है अब नेक्स्ट देखो दोनों कंडीशन में मेरे पास फाइव फाइव है इसमें भी फाइव है इसमें भी फाइव है तो यहाँ पे मेरे पास मिसिंग नंबर क्या आएगा हाँ जी यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा मेरे पास फाइव तो कोई बात नहीं सेम सेम नंबर आएंगे हमारे पास हमें तो नंबर ही चाहिए ना यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास फाइव अगर फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा मेरे पास 125. जी? 125. Five. Very good. क्या आ जाएगा मेरे पास पे 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 है है कौन सा नंबर मिसिंग है मेरा सेवन सेवन और यहाँ पे वेरी गुड तो दोनों को मल्टीप्लाई किया मेरे पास कितना आ जाएगा Then 14. 40 14 वेरी गुड अब क्वेश्चन समझ आए ना कैसे करने हैं Yes, मैम अब इसमें देखिए बेटा 4 10 है 4 तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर मिसिंग है मैम 10 10 मैम 10 हां जी 4 और 10 को मल्टीप्लाई करो या फिर 10 और 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा मेरे पास आंसर दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा क्या आंसर आएगा बेटा 40 40 फोर्टी हांजी फोर जीरो फोर्टी क्लियर है ये वाला पार्ट हो गया ठीक है अभी नेक्स्ट देखते हैं हम हाँ?